तस्वीरें सोनीपत के गांव भदाना की है। देखिए किस तरह ढोल नगाड़ों और बम पटाखों के साथ पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले धर्मवीर नैन का स्वागत किया जा रहा है। धर्मवीर नैन ने पैरा ओलंपिक में क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके बाद गोल्डन बॉय का धूमधाम से ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया जा रहा है। गोल्ड मेडल मिला तो बहुत खुशी हुई थी और उतनी ही खुशी आज अपने ग्राम वासियों का और एयरपोर्ट पे भी मैंने जो अपने देशवासियों का प्यार सम्मान देखा उतनी ही खुशी आज हुई है। कितनी मेहनत इस गोल्ड के लिए करनी पड़ी आपने? मेहनत तो देखिए ये एक दिन की या दो दिन की मेहनत नहीं होती। 2015 से मैं गेम कर रहा हूँ और 2015 में मैंने पहला नेशनल गेम खेला था जहाँ मेरे दो ब्रॉन्ज मेडल आए थे और आज मेरे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। तो मेहनत तो ये लगातार चलती रहती है, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं और ये उसी 8 साल की मेहनत का ये नतीजा है। धर्मवीर नैन के कोच पैरा ओलंपियन अमित सरोहा ने बताया कि धर्मवीर की मेहनत का नतीजा है कि उसने ओलंपिक में गोल्ड जीता है और मेरी मेहनत कहीं न कहीं धर्मवीर के गोल्ड जीतने के बाद सफल हो गई। कहीं ना कहीं आज वो दिन आ गया है और मेरी जो एक फाइट ने किया है ओलंपिक में पोडियम पे मेडल पाए वो आज धर्मवीर ने पूरा किया। जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी उसका परमात्मा ने आज हमें रिजल्ट दिया है और बहुत खुशी है मुझे कि मैं पोडियम पे पहुंचा ना पहुंचा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धर्मवीर ने वो काम कर दिया और मेरे लिए इससे बड़ी कोई दक्षिणा कोई हो नहीं सकती। कुल मिलाकर पैरा ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा जारी है। पैरा ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी लगातार मेडल देश की झोली में डाल रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट। तस्वीरें सोनीपत के गांव भदाना की है। देखिए किस तरह ढोल नगाड़ों और बम पटाखों के साथ पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले धर्मवीर नैन का स्वागत किया जा रहा है। धर्मवीर नैन ने पैरा ओलंपिक में क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके बाद गोल्डन बॉय का धूमधाम से ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया जा रहा है। गोल्ड मेडल मिला तो बहुत खुशी हुई थी और उतनी ही खुशी आज अपने ग्राम वासियों का और एयरपोर्ट पे भी मैंने जो अपने देशवासियों का प्यार सम्मान देखा उतनी ही खुशी आज हुई है। कितनी मेहनत इस गोल्ड के लिए करनी पड़ी आपने? मेहनत तो देखिए ये एक दिन की या दो दिन की मेहनत नहीं होती। 2015 से मैं गेम कर रहा हूँ और 2015 में मैंने पहला नेशनल गेम खेला था जहाँ मेरे दो ब्रॉन्ज मेडल आए थे और आज मेरे तकरीबन 8 साल हो गए हैं। तो मेहनत तो ये लगातार चलती रहती है, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं और ये उसी 8 साल की मेहनत का ये नतीजा है। धर्मवीर नैन के कोच पैरा ओलंपियन अमित सरोहा ने बताया कि धर्मवीर की मेहनत का नतीजा है कि उसने ओलंपिक में गोल्ड जीता है और मेरी मेहनत कहीं न कहीं धर्मवीर के गोल्ड जीतने के बाद सफल हो गई। कहीं ना कहीं आज वो दिन आ गया है और मेरी जो एक फाइट थी कि मैं ओलंपिक क्लास में बैठा हूँ पोडियम पे मेडल पाए वो आज धर्मवीर ने पूरा किया। जो हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी उसका परमात्मा ने आज हमें रिजल्ट दिया है और बहुत खुशी है मुझे कि मैं पोडियम पे पहुंचा ना पहुंचा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर धर्मवीर ने वो काम कर दिया और मेरे लिए इससे बड़ी कोई दक्षिणा कोई हो नहीं सकती। कुल मिलाकर पैरा ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा जारी है। पैरा ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी लगातार मेडल देश की झोली में डाल रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट।